हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसका मेन उपयोग है हमारे गैस लीकेज को चेक करने के लिए। तो आज हम एक गैस लीकेज चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ बबल ट्यूब। आइए तो हम आपको बताते हैं बेसिकली कि ये बबल ट्यूब जो किट है जो आपको उपलब्ध कराई जाएगी कैसी होती है। ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है, और आप इसमें ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, ये जो एक ट्यूब है जिसके थ्रू गैस अंदर जाएगी, ये लगभग 1 इंच तक पानी में डूबी रहनी चाहिए ताकि गैस की लीकेज को हम ध्यान से चेक कर पाएं। ये हमारा एक हॉप है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे। हमें सबसे पहले इसको डिसमेंटल करना होगा इसकी गैस लीकेज को चेक करने के लिए इस डिवाइस के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम इसको डिसमेंटल करते हैं। पैन सपोर्ट्स और बर्नर को सबको साथ में ऐसे हटाना पड़ेगा इनके नट्स को ओपन करके। इसकी गैस नॉब्स को नीचे से हल्का सा पुल करके इसको भी रिमूव करेंगे। और सावधानी के साथ इसके ग्लास को हमें ऊपर की तरफ पुल करना होगा और इसको आप साइड में रखते हैं। ये आपका हॉब अब ओपन हो चुका है। इसमें आप देख रहे हैं आपके तीनों वॉल्व हैं। ये आपकी जो गैस पाइप्स हैं ये यहाँ से जा रही हैं। अब गैस को चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने दो गैस पाइप्स का यूज किया है। एक गैस पाइप जो आपके आउटलेट पे निकल रही है, आउटफ्लो पे, ये आपके जो डिवाइस होगा उसमें मार्क करके दिया जाएगा कि आपका सिलेंडर की तरफ जो जाना है वो कहाँ पे है, और जो आपके वॉल्व में लगना है आपके हॉब के अंदर में, वो नोजल के आपके नोजल है जो आपका हॉब का, उसमें कहाँ लगना है। सो जो आपका आउटलेट है गैस का वो यहाँ से निकल के आप इस पाइप को यहाँ देखेंगे, हमें इसको यहाँ हमने इसको इंस्टॉल करा हुआ है। और दूसरा जो उसका भाग है, जो दूसरा सिरा है इसका, जहाँ से गैस को इस डिवाइस के अंदर जाना है, उसको हमें सिलेंडर में लगाना होगा। अब हमने गैस फ्लो को यहाँ से चालू कर दिए। गैस फ्लो के चालू होती है, अब यहाँ देखेंगे अपने इस डिवाइस में यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी बुलबुलों की हलचल नहीं है। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपके गैस फ्लो से लेकर आपके जो मेन नोजल से होते तीनों वॉल्व तक गैस की कोई भी लीकेज नहीं है, क्योंकि आपकी मेन नोजल से लेकर वॉल्व तक कोई भी बीच में ब्रेकेज नहीं है। तो पूरा जो गैस का फ्लो है आपके तीनों वॉल्व तक आता है। अब चूंकि एक FFT वॉल्व है तो इसकी लीकेज को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इस टैप को आपके ऑन पोजीशन तक लाना होगा, और फिर हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि FFT वॉल्व को प्रेस करने के बाद ही इसमें गैस फ्लो स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इसको ऑन पोजीशन में लाया, लाने के बाद में जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वहाँ बुलबुले आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अब गैस का फ्लो निकल रहा है, और गैस का फ्लो आपके जेट से निकलता है। आगे अभी बर्नर का यहाँ पे बर्नर नहीं रखा हुआ, इस वजह से यहाँ से लीकेज यहाँ से बाहर आ रही है। अब इसको लीकेज चेक करने के लिए इस बर्नर को हमें यहाँ पे अपनी उंगली रखनी पड़ेगी। इसमें तीन जॉइंट दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें, पहला जॉइंट यहाँ पर है, दूसरा जॉइंट यहाँ पर है, और तीसरा जॉइंट यहाँ पर है। लीकेज होने के मुख्य ये तीन जॉइंट है। अगर किसी प्रकार की कोई लीकेज होगी तो इस बर्नर में इसी तीन जॉइंट्स के थ्रू हो सकती है। तो हम अपनी उंगली को जेट के सामने लगाएंगे और इस टैप को हम दबाएंगे। आप देखेंगे सामने कोई भी बुलबुले नहीं आ रहे हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि इस बर्नर में किसी भी प्रकार से कोई भी लीकेज नहीं है। इसी तरह हमें अब दूसरे बर्नर को भी चेक करना होगा। इसमें भी हम अपनी उंगली को इसके जेट पे लगा के इसको हम ऑन पोजीशन पे लाएंगे, और ये एक FFD वॉल्व है तो हम इसको फिर से प्रेस करेंगे। अब जब हम इसको प्रेस करते तो आप देख पा रहे इसमें हल्के हल्के बुलबुले निकल रहे हैं, तो मतलब इसके इन तीनों जॉइंट्स में कहीं ना कहीं कोई ढीलापन हो सकता है जिससे लीकेज हो रही है। तो हम एक चाबी की मदद से इसके जॉइंट्स को हम कस देंगे एक बार। अब एक बार हम दोबारा से इसको चेक करेंगे। अब जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कोई भी बुलबुले नहीं आ रहे हैं जो कि पहले आ रहे थे। इससे यह होता है कि जो भी इसके तीनों जॉइंट्स थे इनमें किसी ना किसी प्रकार का थोड़े से
इनका जो नट था वो लूज था, जिसको कसने के बाद वो लीकेज रुक गई है। इसी प्रकार से हम तीसरे और आखिरी बर्नर को इसके हॉब के, इसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे। जेट के सामने अपनी उंगली को दबाते हुए इसको ऑन पोजीशन पे लाएंगे और एफएफडी वॉल्व है तो इसको प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस कर रहे हैं तो आप सामने देख पा रहे हैं कोई भी बुलबुले नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला बर्नर भी लीक प्रूफ है। इस प्रकार से हम अपने हॉब की, एफएफडी हॉब की लीकेज को चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी कस्टमर के घर पे किसी भी प्रकार से आप वहां पे इस लीकेज टेस्ट को वहां पे करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां पे वेंटिलेशन होनी चाहिए ठीक से, ताकि अगर गैस की लीकेज ज्यादा है तो वहां पे किसी भी प्रकार से गैस वहां पे जमा ना हो सके। लीकेज टेस्ट करते टाइम आपको सारे स्विचेस को, इलेक्ट्रिसिटी के जितने स्विचेस हैं उनको बंद रखना होगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इन सावधानियों को अगर आप ध्यान से बरतेंगे तो आप एक बड़े हादसे से बच जाएंगे।